सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैंस मोटोशॉप। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने फेवरेट स्टोर सैंस मोटोशॉप पे। मैं हूं आपका होस्ट संदीप और मेरे साथ आज है कपिल। तो आप बाइक देख रहे हैं, हमारे साथ आज है 42 बॉबर बाइक। जानी पहचानी आपको लग रही होगी, ये हमारी जी अपनी बाइक है। जी हाँ, और इसका सबसे पहला वीडियो जिसको आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, अब उसके एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम तो स्पेशली एक वीडियो लेके आए हैं, काफ़ी टाइम से एक डिमांड आ रही थी कि 42 बॉबर के स्पेसिफिकली एग्जॉस्ट के लिए या फिर जावा के सभी बाइक्स के एग्जॉस्ट के लिए एक बहुत अच्छी, काफ़ी टाइम से हमारे पास एक डिमांड आ रही थी कि फिटिंग का वीडियो निकालिए, साउंड का 42 बॉबर के ऊपर कैसा इसका आता है कि वो टेस्टिंग वीडियो बताइए। तो दोस्तों आपका इंतज़ार खत्म कर रहे हैं, आज हम लेके आए हैं स्पेसिफिकली जावा 42 के अंदर बॉबर के एग्जॉस्ट की, जो जावा 42 बॉबर के एग्जॉस्ट की वीडियो। और ये 42 पे नहीं, बॉबर पे नहीं, बाकी सभी जावा की और एसडी के बाइक्स पे एग्जॉस्ट लग जाते हैं, यानी कि जावा 42, 42 बॉबर, जावा क्लासिक, जावा पेराग और रोडस्टर, इन सभी बाइक के ऊपर ये एग्जॉस्ट लग जाते हैं। एक एग्जॉस्ट हमने ऑलरेडी फिट कर दिया है। कपिल अब आपको दिखाएगा कि इनकी आवाज़ कैसी है और आगे जो बहुत डिमांड थी कि फिटिंग कैसे होती है, फुटरेस्ट कैसे साथ में लगेंगे, इसकी टच कैसे होता है, साइड स्टैंड कैसा आता है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 42 बॉबर पे जो फिट किया है एग्जॉस्ट की। उससे पहले हम कपिल से पूछते हैं कि कपिल इसमें कैसे फिटमेंट होती है, क्या चीज़ें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्या डिज़ाइन है। तो ओवर टू कपिल। कपिल अब हमारे को बताएगा, तो सबसे पहले कपिल इसको निकाल के बताइए कि फिट कैसे होता है ये। ये नॉर्मली सारे डिज़ाइन ऑल बाइक जावा और एसडी के अंदर फिटेड है डायरेक्टली। आपके रिक्वायरमेंट जैसे बाइक 42 है तो उसी हिसाब से आपको कॉलर और फिटमेंट मिल जाते हैं, जो डायरेक्टली आप किसी भी मैकेनिक से फिट करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमें कॉल करके वीडियो कॉल पे भी फिट करवा सकते हैं। तो कपिल ये बताओ, ये जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ ये भी डिटेल में बताओ कि इसमें जो फिटिंग्स हैं पेराग की हो या रोडस्टर की हो या 42 बॉबर की हो या जावा 42 की हो, सबकी अलग अलग फिटिंग होती है। सबकी अलग अलग फिटिंग होती है और हम साथ में सारे क्लैंप आपको हर तरीके की फिटिंग हर बाइक के लिए अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड है हम सारी आपको प्रोवाइड करेंगे। और अब आपको कपिल दिखाएगा कि इसमें और कौन कौन से, कपिल दिखाओ इनमें से कौन कौन से डिज़ाइन अवेलेबल हैं, ये कौन सा डिज़ाइन है हमारे पास। जो ये डिज़ाइन जो मेरे हाथ में देख रहे हो ये वैनम डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा पाउडर कोटेड के साथ आता है। साथ ही साथ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि डीपी कलर कभी आपको साउंड कम करना है तो आपको इसमें आप डीपी कलर भी फिट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर ऑलरेडी हमने एक सिस्टम बना के दिया हुआ है कि डीपी कलर इसमें डायरेक्ट फिट हो जाता है। और इसमें जो जो डिज़ाइन है हम आपको सारे दिखाते हैं, आपको एमएस में और स्टेनलेस स्टील में सभी डिजाइन मिल जाएंगे। तो कपिल आपको दिखाएंगे सारे डिजाइन। कलर वेरिएंट की बात करते हैं तो माइल्ड स्टील में ही आपको क्रोम कलर भी मिल जाएगा और पाउडर कोटेड भी मिल जाएगा। अगर आपको स्टेनलेस स्टील चाहिए तो दोनों ही ऑप्शन में आपको सेम मिल जाएगा, पाउडर कोटेड में स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस स्टील का आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा एक डिज़ाइन और है कपिल, वो भी मैं चाहूँगा आप दिखा दो। सेकेंड डिजाइन है, सबसे ज़्यादा चलने वाला डिज़ाइन है रेजर, जो ही कलर में दोनों कॉम्बिनेशन में मिलता है, क्रोम में भी मिल जाएगा आपको, पाउडर कोटेड ब्लैक में भी, मैट फिनिश में, स्टेनलेस स्टील में, सिल्वर ग्लॉसी फिनिश स्टेनलेस स्टील और पाउडर कोटेड स्टेनलेस स्टील फिनिश भी आपको हमारे स्टोर पे मिल जाएगी। और कपिल ये रेजर में क्या खासियत है, अगर पेराग के खासकर यूज़र हो या क्या क्या डिफरेंस है दोनों में फिटिंग में? जो ये डिज़ाइन होता है तो पेराग वाला हर बाइक में कहते हैं कि कट वाला डिज़ाइन चाहिए और ये बेटर रहता है, स्लिक रहता है कि आप टर्न ले सकते हो आराम से। मतलब जी इसका मतलब कहने का ये है कपिल का कि आपका जो टर्निंग रेट, जो आपका ग्राउंड क्लीयरेंस है, सॉरी जो ग्राउंड क्लीयरेंस है इसमें, जो कपिल कहना चाह रहा है कि रेजर की वजह से, क्योंकि पेराग का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है 42 और रोडस्टर से थोड़ा सा कम है तो उस बाइक के अंदर वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है वैनम, तो ये थोड़ा स्लीक है, ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो कपिल अब दिखाएगा आपको कैसे इसमें फिट करते हैं, कॉलर की जो बात करी वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कपिल ओवर टू यू, अब अपने सारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे फिट होता है और क्या होता है। तो फर्स्ट डिज़ाइन की बात करते हैं वैनम की, जो बॉबर एंड पेराग के लिए सेम फिटेड होता है, जिसमें तीन जो थ्री पीस की जो कॉलर आती है वो आप डायरेक्टली फिटेड है, और जो फोर पीस की कॉलर है वो 42 एंड क्लासिक एंड रोस्टर के लिए फिटेड होती है। तो अब मैं थ्री पीस वाली कॉलर्स को अब आपकी बोर्ड्स में आपको लगा के साउंड सुनाता हूँ। तो पहले आपको इसकी इस मॉडल की साउंड सुनाएंगे, फिर फिटमेंट वीडियो लास्ट में दिखाएंगे कि कौन सा हमने डिसाइड करके फिट करा इस बाइक में। चलिए दोस्तों बाइक स्टार्ट करके आपको सुनाते हैं वैनम की एग्जॉस्ट की साउंड। चलिए अब सुनते हैं वैनम की साउंड। तो आप देख सकते हो काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट है वैनम, आप सेम ही एग्जॉस्ट की साउंड आपको पेराग में भी ये सेम मिल जा सकती है, डायरेक्टली फिटेड है, आपको कोई एक्स्ट्रा फिटेड की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरी फिटमेंट देते हैं जो आपके घर पे मिल जाती है, एंड एग्जॉस्ट कॉलर एंड फिटिंग्स आप डायरेक्टली फिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थ्री पीस का कॉलर आपकी पेराग बॉबर के लिए एंड 42 बॉबर के लिए इसमें लगता है, तो वो मैंने इसमें कॉलर लगा दिया है रेजर के अंदर,
तो अब मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ, फिर आपको साउंड सुनाता हूँ। और ये सेट ऑफ टू में आते हैं, कोई भी एग्जॉस्ट आप बाय करते हो सेट वन पीस नहीं आता, सेट ऑफ टू आता है। जब ही एक साउंड बनेगा जब ही लुक आएगी बाइक की आपकी। तो आप इसको फिट करते हैं इस तरीके से, तो ये फिट हो चुका है। अब मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ, तो आप करते हैं स्टार्ट। आप देख ही सकते हो काफ़ी एग्जॉस्ट की अच्छी साउंड आ रही है। रेजर लुक भी आप देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम आ रही है। आपको लगेगा नहीं कि आपने अलग से लगा रखा है, क्योंकि सेम ही एग्जॉस्ट ब्रैक में भी ओरिजिनल आता है, इसलिए बेटर क्वालिटी के साथ ये हम आपको अब एग्जॉस्ट की साउंड सुनाते हैं। तो आपने ये देखा रेजर काफ़ी अच्छी थी कि हैवी क्वालिटी की साउंड, जो ये बेसी साउंड में आपके लिए सेट ऑफ टू में आता है, पाउडर कोटेड के साथ आता है। तो दोस्तों अभी आपको कपिल ने दिखाया कि दोनों एग्जॉस्ट हमारे पास जो अवेलेबल है, यानी कि रेजर डिज़ाइन और दूसरा सबसे पहले जो दिखाया था वेनम, और ये भी अच्छे से समझाया कपिल, बहुत अच्छे से समझाया आपने कि क्या डिफरेंस रहता है। वो जो कॉलर का जो फंडा है वो एक बार क्लियर मैं भी कर देता हूँ कि जो बेंड पाइप का जो साइज़ है डाया है उसके हिसाब से इसका कॉलर, यानी जो सील होती है जिससे एयर जो लीक नहीं होती है, तो वो सील है आपके ओरिजिनल एग्जॉस्ट में भी होती है। तो एक तरह की ये सील है। 42 रोडस्टर इन दोनों बाइक्स की अलग है, पेराक की और रोडस्टर 42 बॉबर की, इन दोनों का वो साइज़ एक है। तो इसलिए थ्री पीस का और फोर पीस का वो कॉलर इन्होंने जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आपको हम दिखाएंगे, कपिल पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा कि फिटिंग कैसे होती है, जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की बहुत सारे कस्टमर्स की एक डिमांड थी कि इसमें फिटमेंट कैसी होती है, अगर हमने पिलियन सीट लगाई है तो फुटरेस्ट कैसे लगेगा, फोल्डेबल फुटरेस्ट में क्या इशू आ रहा है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर वो भी हम साथ में कवर करेंगे। ओवर टू कपिल, अब हम दिखाते हैं कि इसकी फिटिंग्स कैसे होती हैं। तो आप ये देख सकते हो थ्री पीस वाला कॉलर लग चुका है, अब हम एग्जॉस्ट को फिट करेंगे। तो अब इसमें एक आई पत्ती आएगी, टोटल सेट ऑफ टू में आती है दो आई पत्ती और दो जेड पत्ती। तो पहले आई पत्ती को फिट करेंगे, इस तरीके से आई पत्ती फिट होगी। और पीछे की साइड आप देख सकते हो जेड पत्ती इस तरीके से फिट होती है। फोर्टी टू में आप देख सकते हो दोनों साइड के लिए दो क्लैंप आते हैं, ये डायरेक्टली फिटेड है। इस तरीके से नट्स बोल्ट टाइट हो जाएंगे, पीछे के फुटेज साइड में इस तरीके से फिट हो जाता है, एक नट इधर से और आगे से एक नट डाल के चार पीस का कॉलर डायरेक्टली आप 42 और क्लासिक एंड रोस्टर में फिट कर सकते हो ईजिली। ये देखिए एक जेड पत्ती पीछे लगी और आई पत्ती आगे, और एक नट को हम टाइट करेंगे इसको, इस तरीके से फिट हो जाता है और एक नट आगे की साइड फिट होगा, बस डायरेक्टली फिटेड है का एग्जॉस्ट। तो आप देख सकते हो पीछे फुटरेस्ट की बात करते हैं तो ओरिजिनल नट बोल्ट के साथ आप ये वाला फुटरेस्ट फिट कर सकते हो, एक नट जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर जो बूस होता है ओरिजिनल के अंदर, तो ये हट जाता है रिमूव करने के बाद, ये नट यूज़ करना है आपको वापसली इस तरीके से, ये टाइट हो जाएगा आपका फुटरेस्ट। और नेक्स्ट फुटरेस्ट की बात करते हैं तो बूस निकालने के बाद इसको रिमूव करेंगे और इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे और ये आपका फोल्ड सिस्टम हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से फिट हो गई है, पीछे का नट टाइट करने के बाद इस तरीके से आप इसे अनफोल्ड फोल्ड कर सकते हो। इस तरीके से आपका फुटरेस्ट फिट होता है और इस तरीके से आपके एग्जॉस्ट फिट होते हैं, हमने आपको दिखा दिया। और काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ आप देख सकते हो प्रॉपरली फिटेड है। आप इसको थोड़ा ऊपर करना चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस भी बेटर हो जाती है पहले वाले एग्जॉस्ट से, वो नीचे की साइड होते हैं ये थोड़े ऊपर की साइड हो जाते हैं। रेजर एग्जॉस्ट प्राग के लिए और 42 बॉबर के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों जैसा अभी आपने देखा कि कपिल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कौन कौन से एग्जॉस्ट हैं, कौन कौन सी बाइक के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आप आसानी से फिट कर सकते हैं, और क्या बेनिफिट रहता है रेजर का और क्या बेनिफिट है वैनम का। साउंड की टेस्टिंग आपको हमने ऑलरेडी करवा दी है, कुछ कुछ ऐसा ही साउंड रहता है क्योंकि इंजन सेम है जावा की सभी बाइक्स के, कुछ कुछ ऐसा ही साउंड रहता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो रेजर में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम प्रमोट करते हैं रेजर को 42 बॉबर और पेराक बॉबर दोनों के लिए। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो साउंड अच्छा लग रहा है। एक बात बोल देता हूँ कि जब भी आप साउंड सुन रहे हैं इस वीडियो के अंदर तो हेडफोन्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, हेडफोन्स यूज़ करें, उससे आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और एक बेटर डिफरेंशिएट करने का आपको पता चल जाएगा, बेटर कर सकेंगे कि कौन सा आपको सूट करता है। और कपिल को थैंक यू कहना चाहूँगा, और कपिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है,
और एक बात बोलना चाहूँगा कि कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, कौन सा एग्जॉस्ट आपको अच्छा लगा और क्या नया डिज़ाइन अगर आपके मन में कुछ है, कैसा चीज़ें और आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, हमारे स्टोर पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा ज़रूर। सभी जो प्रोडक्ट्स अभी आपको दिखाए हमने, यानी कि सभी साइलेंसर जो बताए, आप नीचे दिए गए नंबर से व्हाट्सएप करके या फिर हमारी वेबसाइट है www.sansclassicparts.com पे जाके हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई इसके अलावा कन्फ्यूजन हो, नीचे नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, उस पर जाके डायरेक्टली कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए एक बारी, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है हम आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे, आपको रिवर्ट ज़रूर करेंगे, मैसेज का जवाब जरूर दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अगर कहीं भी आपने इस प्रोडक्ट के साथ या हमारी प्रोडक्ट या हमारी वीडियो के साथ हमारी बातों कहीं भी आपने कनेक्ट किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो दोस्त हैं या फेलो राइडर्स हैं जिनके पास ये बाइक्स हैं वो अपनी बाइक पर एग्जॉस्ट ज़रूर लगवाएँ और इनका बेनिफिट लें, क्योंकि इनसे पिकअप काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है और बाइक का हीटिंग थोड़ा सा कम हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे ही कंटेंट, ऐसा ही और प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेके आ सकें और आप इसको और देख सकें। जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जुड़े रहे, बने रहे, देखते रहे आपके अपने फेवरेट स्टोर सैंस मोटर शॉप को।